हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अग्नि इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग क्लास 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो 2 को रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? इट इज द एवरेज वेलोसिटी विच एन इलेक्ट्रॉन इज ड्रिफ्टेड टुवार्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ठीक है, इट इज द एवरेज वेलोसिटी, इट इज द एवरेज वेलोसिटी विथ विच एन इलेक्ट्रॉन is drifted towards the positive terminal of battery। ठीक है, देखिए अब देखते हैं, अगर एक कंडक्टर है, मान लीजिए एक कंडक्टर है अपने पास। अब इस कंडक्टर के पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो रैंडम मोशन में है। ठीक है, इसका अभी जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है, इसके अंदर रैंडम मोशन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ठीक है, और ये वाला चीज जो इसका है, ये क्या कहलाएगा? क्रॉस सेक्शन। इसी को क्या बोलते हो? क्रॉस सेक्शन। अभी जो इस कंडक्टर में, क्रॉस सेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है कंडक्टर के अंदर, वो क्या है? रैंडम मोशन में। तो द इफेक्टिव करंट इन कंडक्टर इज जीरो। ठीक है, अभी इस कंडीशन में जो कंडक्टर से इफेक्टिव करंट है वो कितना होगा? जीरो होगा। चलिए अब एक सेकेंड सिचुएशन देखते हैं, देखिए क्या है इसमें। अब इस कंडक्टर को सबसे बड़ा बना के दिखाते हैं आपको। ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, इस कंडक्टर को हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं। ठीक है, इस कंडक्टर को हम क्या कर रहे हैं? एक बैटरी से जोड़ रहे हैं। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, अब मान लीजिए V है, तो यहाँ से V1 वोल्टेज, इस पॉइंट पर V1 और यहाँ भी V1 है, और इधर से ये V2 है और ये V2 है। क्लियर। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। हमने बोला है कि ये इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है, ये किधर की तरफ? ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जो ड्रिफ्ट करेगा, वो वेलोसिटी क्या कहलाता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है। ठीक है, तो यहां से V1 माइनस V2 की बात करें, ये क्या है? भी है। ठीक है, तो हमने पढ़ा हुआ है F बराबर MA, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स बाई मास, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फोर्स फील कर रहा है। F बराबर QE, यानी Q कितना है? माइनस इलेक्ट्रॉन पे जो भी चार्ज होगा, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड बाई M। चलिए, हमने एक्सेलेरेशन क्रिएट कर लिया, जनरेट कर लिया। कितना क्या होगा एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला? माइनस ई स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई बाई एम। यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब मानते हैं कि U1 जो है इनिशियल थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, U1 क्या है? इनिशियल थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और V1 जो है T1, वो मान लिए क्या है? V1 क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा, और T1 क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। T1 क्या है? रिलैक्सेशन टाइम
फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, है ना, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम टी वन। अब फॉर कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के लिए हम लोग लॉज ऑफ मोशन में पढ़े थे कि वी इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। तो यहां से वी वन इक्वल टू पहले वाले के लिए यू वन प्लस ए टी वन, ठीक है। दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा, वी टू प्लस इक्वल टू यू टू प्लस ए टी टू, ठीक है। उसी तरह से अगर हम एन इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो एन में इलेक्ट्रॉन जो होगा उसका वेलोसिटी क्या होगा, यू एन प्लस ए टी एन, ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन। अब देखिए अगर सारे को हम एक साथ जोड़ रहे हैं, जितने भी चीज लिखे हैं उसको जोड़ रहे हैं, तो यहां से वी वन प्लस वी टू प्लस सो ऑन कहां तक, वी एन तक, ये आ जाएगा क्या बताइए, यहां से यू वन प्लस यू टू प्लस सो ऑन कहां तक, यू एन के लिए प्लस इन सारे में ए कॉमन है तो हम ए को बाहर कर लिए, टी वन प्लस टी टू प्लस सो ऑन कहां तक, टी एन तक, सभी को हमने जोड़ दिया। अब क्या होता है सो देखिए, ये चीज को हम जीरो लिखेंगे, क्यों, थर्मल वेलोसिटी ऑब्जर्व ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नो करेंट फ्लो, थर्मल वेलोसिटी ऑब्जर्व, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नो करेंट फ्लो, ठीक है। तो अब बच क्या गया अपने पास, यहां से देखिए, यहां से बचा वी वन प्लस वी टू सो ऑन वी एन, यहां से बच गया ए, और टी वन प्लस टी टू प्लस सो ऑन कहां तक, टी एन तक, ठीक है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ से एन से भाग दे रहे हैं एवरेज निकालने के लिए, क्लियर है। तो जो ये एन से भाग देने के बाद ये जो बना, इसी को क्या बोलिएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो एवरेज इलेक्ट्रॉन जितने भी होंगे ये कहलाएगा वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये जो एक्सेलेरेशन है ये ए, और ये इस जो टी वन प्लस टी टू प्लस टी एन बाई कैपिटल एन है इसको बोलते हैं हम लोग टाउ से डिनोट करेंगे, और इसको बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, टाउ। अब देखिए यहां से हमने वी डी इक्वल टू एक्सेलेरेशन एज पहले हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, क्या हो जाएगा, माइनस ई टाउ बाई ई टाउ, यहां लिख दिए बाई एम, ठीक है, और इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एक्सेलेरेशन को रख दिए। ये फॉर्मूला जो अपना आया ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। यहां पे वी डी क्या है, वी डी को क्या बोलिएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्लियर है। और ई क्या है, ई है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और टाउ क्या है, इसको बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। और ई तो अपने को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आज हम लोगों ने यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर, सॉरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो अब इसका दूसरा फॉर्म भी है, वो भी हम लोग अगले दिन देखेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला करंट डेंसिटी के फॉर्म में आएगा, वो कैसे आता है वो कल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।